यहाँ से हम लोग फ्लैट के अंदर इंटर करेंगे। ये फ्लैट के बाहर का नज़ारा और ये इंट्रेंस है। अब देखते हैं किस तरह का बना हुआ है और कितना एरिया में बना हुआ है। ये इंटर करते ही एक बड़ा सा हॉल है, काफ़ी स्पेशियस, और हॉल के साथ अटैच एक बालकनी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। यहाँ से आप जब बाहर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। बैडमिंटन कोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर, हरियाली, हरा भरा, और ये हॉल काफ़ी बड़ा। हॉल से यहाँ देख सकते हैं सटा हुआ यह किचन है। किचन के लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है। दो दो रैक है और किचन से सटा हुआ भी बालकनी है, एक छोटा बालकनी जो सफिशियंट है। किचन का साइज भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। इसके बाद हम इंटर करते हैं, ये पहला रूम है, ये पहला रूम इंटर करते हैं और देख सकते हैं। आमतौर पर अभी तक हमने जितना ही फ्लैट देखे हैं उसके अपेक्षा ये काफ़ी बड़ा फ्लैट है और इस रूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है, करीब 14x12, 14x13 इस तरह का साइज लग रहा है। उसके अलावा इसमें अटैच वाशरूम भी है, ये नहाने का अलग और ये बाथरूम वेस्टर्न टॉयलेट के साथ बेसिन वगैरह लगा हुआ है। अब देखते हैं दूसरा रूम, ये दूसरा कॉमन वाशरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट, बेसिन और ये शावर, सारा कुछ उससे अटैच है। दूसरा रूम, ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस, हवादार, ग्लास विंडो, दो दो विंडो दिया हुआ है ग्लास का, और इस रूम का भी साइज करीब 12x14, 13x14 आसपास लग रहा है, काफ़ी स्पेशियस है भी। और ये है तीसरा रूम, इसमें भी अटैच वाशरूम है लगा हुआ है, बेसिन, वेस्टर्न टॉयलेट, शावर, और ये इसमें स्पेस छोड़ा गया है। और इससे अटैच रूम, इसमें भी दो दो विंडो है, ग्लास लगा हुआ है। इस रूम का भी साइज करीब 12x14, 13x14 आसपास, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। आमतौर पर इतना बड़ा बड़ा रूम देखने मिलता नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है।